जिला में विभिन्न विभागों के माध्यम से किए जा रहे विकासात्मक कार्यों को लेकर जिला परिषद की त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठक जिला परिषद सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला के समस्त जिला परिषद सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने अमरोह पस्थल सड़क की टॉरिंग तथा बदियाना मोड़ के पास खराब सड़क, पुलिस थाना बोरन से बरेड़ी सड़क, बरेड़ी से चंद्रूही, बरेड़ी से सुलगान, बस्ती से मनोह भाया, खितरबाड़ वाह देवी से तर्कवाड़ी तथा डेरा परोल से रूपड़ी कंचाना कॉलेज विभिन्न सड़कों की आवश्यक मरम्मत, पैच वर्क तथा टॉरिंग शीघ्र करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि लोगों तथा वाहन चालकों को किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि जिस कार्य के लिए टेंडर किए जाने हैं, उसके लिए शीघ्र टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर कार्य को अवार्ड किया जाए। उन्होंने एनएच के अधिकारियों को कहा कि हीरानगर स्थित कतना टिम्बर हाउस के पास जो मिट्टी इकट्ठी की गई है, उसे सीधे डंपिंग साइट पर ले जाना सुनिश्चित करें। सुजानपुर उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत खेरी में गौ सदन निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई तथा पशुपालन विभाग के अधिकारियों को शीघ्र भूमि की उचित प्रकार से निशानदेही करवाकर लोक निर्माण विभाग को 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। जिला परिषद उपाध्यक्ष चंदूलाल चौधरी ने कहा कि मंझियार व पखरोल सड़क की स्थिति बहुत अधिक खराब है तथा शीघ्र ही इसकी मरम्मत की मांग की है। इस पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है तथा 2 माह के भीतर मरम्मत तथा पैच वर्क को कर दिया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम ने कहा कि बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें से अधिकतर का निराकरण भी किया गया तथा अन्य मुद्दों का समाधान भी समयबद्ध होना अति आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनहित से जुड़े प्रत्येक मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें तथा जिला परिषद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब बैठक में 15 दिन पूर्व भिजवाएं, ताकि बैठक के दौरान हर मुद्दे पर उसके समाधान को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया जा सके। बोरज उपमंडल के ग्राम पंचायत दिमी वार्ड नंबर 3 में सप्ताह में 2 बार ही पेयजल आपूर्ति होने से ग्रामीणों में गहरा रोष पनपा हुआ है। ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य पवन चंदेल के समस्या निवारण के बारे में ज्ञापन सौंपकर मामले की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए कई बार IPH विभाग को बताया गया है, लेकिन समस्या हल नहीं हुई है। वहीं जिला परिषद सदस्य पवन चंदेल ने भी ग्रामीणों को समस्या को प्रमुखता से उठाकर हल करवाने का आश्वासन दिया। ग्रामीण जनकराज गुरमीत सिंह ने बताया कि गांव में पानी की समस्या बरकरार बनी हुई है और विभाग से बात करने पर जवाब मिलता है कि पंप मोटर खराब होने से समस्या पेश आ रही है। उन्होंने बताया कि अब जिला परिषद सदस्य के पास शिकायत की है, ताकि परेशानी से छुटकारा मिल सके। भी इसके बारे में जिला परिषद सदस्य पवन चंद्र ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या को हल करवाने के लिए बात की जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित IPH विभाग के अधिकारियों के द्वारा केवल समस्या हल करने के लिए लॉलीपॉप ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने रोष जताया कि जनमत में खुले में समस्याएं हल करने की बात की जा रही है, लेकिन अंदर खाते में लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, जिससे लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है। जिला परिषद हमीरपुर की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर जिला परिषद चेयरमैन ने ऐसे बिकरेले अधिकारियों को सबक सिखाने का फैसला लिया है। हमीरपुर जिला के बोरिंज उपमंडल में IPH और PWD एक्सिल के लगातार बैठकों में निरादर रहने पर आगामी दिनों में जिला परिषद सदस्य संबंधित विभाग अधिकारियों का घेराव करके जवाब मांगेंगे। हमीरपुर जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में बकायदा अधिकारियों के घेराव को लेकर रूपरेखा तैयार की है, बल्कि जनमुद्दों को सुलझाने में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की है। जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने दो टूक शब्दों में जिला परिषद की बैठकों में निरादर रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि बोरज उपमंडल के एक्सिल लगातार बैठकों से गायब रह रहे हैं और विभागों के प्रतिनिधि तक बैठक में आना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में जन समस्याओं का निवारण करना मुश्किल हो रहा है। वहीं उन्होंने
हमीरपुर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीनों के खराब होने पर भी चिंता जाहिर की है। मशीनों के खराब रिजल्ट आ रहे हैं, जिसके कारण मशीनों को जल्द ही ठीक करवाने पर निर्णय लिया गया है। जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने कहा कि 14वें वित्त आयोग के तहत 32 करोड़ रुपए बचा हुआ है, जिसे जुलाई से पहले आई ही किस्त को खर्चा जाएगा, ताकि विकास कार्य को पूरा करने में सहयोग मिल सके। सोलन जिला में दिवाली सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर एलडी ठाकुर ने बताया कि त्योहारी सीजन के चलते सोलन शहर में मिठाई बनाने वाली सभी दुकानों के लाइसेंस और मिठाई बनाने के तरीके को सैंपल को चेक किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्लान तैयार करते हुए टीम गठित की गई, जिसके तहत दिवाली के त्योहार आने तक मिठाई बनाने वाले सभी दुकानदारों के दुकानों के लाइसेंस चेक किए जाएंगे, वहीं उनके द्वारा बनाई जा रही मिठाइयों के सैंपल भी चेक किए जाएंगे। त्योहारी सीजन के चलते विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, ताकि बाजार में किसी तरह की भी मिठाई जो कि लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़े वो बाजार में ना आए। इसके लिए दिवाली तक हर दिन मिठाइयों के सैंपल चेक किए जाएंगे। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन के अधिकारी डॉक्टर एलडी ठाकुर ने बताया कि जब भी लोग मिठाइयों की खरीदारी करें तो ज्यादा कलर वाली मिठाइयां को नजरअंदाज करें, ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा असर ना हो। वहीं उन्होंने अपील की है कि अगर किसी तरह का भी संदेह उन्हें लगता है कि मिठाई गलत है या खराब है, तो विभाग को सूचित करें, ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके।